नमस्कार, मैं अमित दुबे शिक्षा होशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप मतलब कि साझेदारी। अब साझेदारी के अंदर क्या होगा, तो इसके कॉन्सेप्ट को हमें पहले समझना होगा और ये इसमें ऐसी कौन सी नई चीज हमें मिलेगी या कौन सी चीजें हमारी पिछले वीडियोस के मतलब कि जो पिछले लेक्चर्स जो हमने देखे हैं उनमें से क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी है इनके अंदर, हमें उनको समझना होगा। तो पहली चीज तो ये सिमिलैरिटी में इनमें बता देता हूँ कि जो हमारे पिछले पार्ट में जो हमने रेशियो वाला जो पार्ट किया था उसके अंदर और पार्टनरशिप के अंदर, ये इन दोनों के अंदर ही आपको रेशियो के अकॉर्डिंग इनको यूज करना है। रेशियो यूज होंगे इसके अंदर भी, अनुपात यूज होंगे और इन्हीं के साथ इनका समानुपात भी यूज होगा और हमें इसी पैटर्न को हम आगे भी बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ये रहता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे मान लो कि दो व्यक्ति हैं और दोनों मिलकर कुछ प्लान करते हैं कि उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब हर व्यक्ति की कैपिटल पोजीशन जो है एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक व्यक्ति उसमें से कुछ पैसा एक्स्ट्रा मतलब कोई दोनों में से कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पैसा लगाता है, दूसरा व्यक्ति कम पैसा लगाता है। ऐसी कंडीशन में जो इनका जो प्रॉफिट होगा वो भी इनके जो इनके द्वारा जो लगाया हुआ पैसा है इसी के अकॉर्डिंग इनके प्रॉफिट भी इनके लगाए हुए पैसे के अकॉर्डिंग ही इनमें बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि हमारे यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ए है और बी है। कौन कौन है? ए है और बी है। ए ने लगा दिए 20,000 रुपए, ए ने लगा दिए 20,000 रुपए और बी ने लगा दिए 30,000 रुपए। कितने रुपए लगा दिए? 30,000 रुपए लगा दिए। तो इन दोनों का जो लाभ जो होगा, जो इनको जब लास्ट में जब इस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा तो इनका प्रॉफिट जो है किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो आपको करना है कि इन दोनों में रेशियो क्रिएट कर लेना है कि जो इनकी कैपिटल जो इनकी इन जो इन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर इसी पैसे के अकॉर्डिंग ही इनका पैसा क्या होगा, इनका प्रॉफिट जो है इसी के अकॉर्डिंग इनका बटेगा। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो क्रिएट करें तो रेशियो क्या बनेगा? 2:3। तो ये होगा इनकी कैपिटल का रेशियो और ये होगा इनके प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो बनेगा आपके इनकी कैपिटल के मतलब जो इन्होंने पूंजी जो इन्होंने धन लगाया था उस धन के अकॉर्डिंग ही इनका प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। तो एक कंडीशन तो ये हो जाती है। एक और कंडीशन होती है इनके टाइमिंग की कि कौन कितने समय तक बिजनेस में शामिल रहता है या उसका पैसा जो है व्यापार में कितने समय के लिए इंक्लूड रहता है। तो इस टाइप की कंडीशंस में भी आपको क्या करना है, इनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें इसको टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे रेशियो किस प्रकार से चेंज होगा। मान लेते हैं कि यही ए और बी है। कौन है? यही ए और बी है जो कि 20,000 रुपए और 30,000 रुपए लगाते हैं। क्या करते हैं? ए लगाता है 20,000 रुपए और बी लगाता है 30,000 रुपए। लेकिन इन दोनों ने साथ में व्यापार स्टार्ट किया होगा। कुछ समय बाद ए को लगता है कि मुझे व्यापार में नहीं रहना है तो वो 8 महीने बाद यहां से निकल जाता है, मतलब 8 महीने तक वो व्यापार में रहता है और 1 साल तक ये व्यापार चलता है, मतलब 12 महीने के लिए व्यापार चलता है। कंडीशन ये है कि ए ने लगाए 20,000 रुपए, बी ने लगाए 30,000 रुपए, ए का धन जो है 8 महीने के लिए रहा, बी का धन 12 महीने के लिए रहा, तो यहां पर इनकी इनकम जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो कैसे बनेगा? तो अब यहां पर भी वही चीज कि यहां पर ये 2-3 का रेशियो तो पहले ही बन रहा था, आप यहां से इसको डिवाइड करेंगे 4 से और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 9। तो यहां पर जो इनका प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बटेगा? 4:9 के रेशियो में बटेगा। जो भी प्रॉफिट हो, एक्स वाई जेड मान लेते हैं कि इनको 13,000 का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 13,000 का प्रॉफिट होता है। तो 13,000 के प्रॉफिट में ए का भाग कितना होगा, मतलब ए को कितना भाग मिलेगा, बी को कितना भाग मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना। तो 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 1,000, मतलब 13 यूनिट बराबर हुई किसके? 13,000 के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गई? 1,000 के। तो 4 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी? 4,000 और 9,000। तो ये इनका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट वैल्यू में मतलब रुपए में दे रखा है तो आपको ये बताना है और अगर आपको रेशियो ही पूछे गए हैं तो आपको रेशियो बता देना। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो पार्टनरशिप में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो उस 3 से 4 टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इनमें डिफरेंस बताना होगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करने होंगे। और पार्टनरशिप के अंदर ऐसा मान लीजिए कि ऐसा कोई टफ लेवल नहीं होगा, सिर्फ सिंपल से जो कॉन्सेप्ट है आपको उनको समझना है और उन्हीं से आपको इन सब चीजों को बनाना है। रेशो कैसे क्रिएट होंगे, मैंने आपको 2 बेसिक चीजें बताई है कि पहला कि इनकी कैपिटल एक सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की गई हो। क्या की गई हो?
इनकी कैपिटल जो है, इनकी पूंजी जो है, एक समान समय के लिए निवेश किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में जो इनकी कैपिटल का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि इनके टाइमिंग के हिसाब से, कि टाइमिंग इनकी अलग अलग हो, मतलब कोई एक एक साल के लिए, दूसरा दो साल के लिए निवेश करता है, या फिर पहला वाला दो साल के लिए और दूसरा वाला तीन साल के लिए निवेश करता है, या फिर दूसरा वाला तीन साल के लिए, दो साल के निवेश करता है और पहला वाला तीन साल के लिए निवेश करता है, तो इनके ये जो टाइमिंग जो रहेगी ये इफेक्ट डालेगी इनकी कैपिटल पर। कैसे? कि मान लो कि एक व्यक्ति ने लगाया 1,000 रुपए एक महीने के लिए, तो मतलब उसका टोटल अमाउंट कितने महीने के लिए लगा रहा? एक महीने के लिए तो 1,000 रुपए ही रहा। लेकिन अगर हम बात करें कि उसका कैपिटल जो है वो दो महीने के लिए लगा, वही 1,000 रुपए उसके दो महीने के लिए लगे, तो मतलब उसका कैपिटल कितना हो गया? 2,000 रुपए हो गया, क्योंकि दो महीने के लिए निवेश रहा। तो इसी प्रकार से ये कैपिटल जो है मंथ बाय मंथ इंक्रीज होगा, और अगर ईयर्स के अकॉर्डिंग लें तो ईयर्स में भी इंक्लूड होगा। तो यहां पर चीजें बनती हैं कि एक पैटर्न ले लेते हैं जिससे हम इसको क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें समझेंगे कि उसमें क्या दे रखा है। तीन हिस्सेदार हैं, कितने हिस्सेदार हैं? क्वेश्चन है आपका, तीन हिस्सेदार हैं ए बी और सी, जिसमें से ए लगाता है 34,000 रुपए, बी लगाता है 26,000 रुपए और सी लगाता है 10,000 रुपए। क्लियर? और लास्ट में जो इनका जो प्रॉफिट होता है वो होता है, टोटल प्रॉफिट जो है इनको मिलता है 17,500 रुपए का। कितने रुपए का? 17,500 रुपए का। और हमें बताना है ए का भाग कितना है। तो सबसे पहले तो यहां पर बात हो रही है किसकी, कि इनकी कैपिटल जो है 34,000, 26,000 और 10,000। यहां पर टाइम की बात नहीं हुई, मतलब कि इनका जब भी टाइम की बात नहीं हो रही है, मतलब कि इनका जो टाइम होगा, मतलब कि कितने समय के लिए निवेश हो रहा है इनका पैसा, या कितने समय तक इनका बिजनेस चल रहा है, वो आपको ये यहां पर इक्वली रखना है। मतलब जितने समय के लिए ए का धन लगेगा उतने ही समय के लिए बी के लिए और उतना ही समय सी के लिए, मतलब टाइम यहां पर इक्वल है। तो टाइम के लिए यहां पर आपको टाइम रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इनकी कैपिटल से ही रेशो क्रिएट करेंगे। तो रेशो क्रिएट करने के लिए जो सेम चीजें दिख रही है यहां पर, 3 जीरो सभी में दिख रही थी, तो 3 जीरो हमने सभी में से हटा दी। फिर यहां से 2 से डिवाइड होगा 17 टाइम 13 टाइम और 5 टाइम, तो 17, 13 और 5 ये बनता है इनकी प्रॉफिट का रेशो। अब टोटल प्रॉफिट है हमें, हमारे पास में यहां पर 17,500 रुपए, तो 17, 13 और 5 इनको अब प्लस करेंगे, तो 17, 13 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 5 35 से डिवाइड करेंगे 17500 को, तो ये डिवाइड होगा 5 बार। कितनी बार? 35 से कितनी बार? 500 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अगर 35 से एक 17,500 अगर 500 टाइम डिवाइड हुआ तो आपके पास में 1 यूनिट कितनी हो गई? 500। और आपसे पूछा गया है कि ए का हिस्सा कितना है, तो आप ए का हिस्सा मतलब कि 500 का 17 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में ए का हिस्सा आ जाएगा 8500। क्लियर? तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन्हीं में अगर यहां पर टाइमिंग दी होती कि ए का समय, ए जो है 2 महीने के लिए, बी 3 महीने के लिए और सी 4 महीने के लिए निवेश करता है, तो कैपिटल भले इनकी कम हो तो टाइम के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, और इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना भी है। शॉर्ट कैसे करेंगे मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में धीरे धीरे करके, एक एक करके क्वेश्चंस में बताता रहूंगा। आप यहां पर पहले तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। तो यहां पर पहले बात कर चुके हैं हम लोग किसके लिए, कि इनके टाइमिंग के लिए, सॉरी इनके कैपिटल मतलब इनकी पूंजी के लिए। अब हम बात करते हैं इनके टाइमिंग के लिए, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग इनका पैसा कितने समय के लिए। तो मान लेते हैं कि जयंत, अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर देखेंगे कि हमें क्या दिया है, तो उसमें हम टाइमिंग को कैसे यूज करेंगे। तो हमें दिया है जयंत 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है, ठीक है। इसके 2 महीने बाद मधु 45,000 रुपए लगाकर उसी व्यापार में शामिल हो जाती है। मधु कितने समय बाद? 45,000 रुपए लगाती है और व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपए की आमदनी होती है, मतलब कि 54,000 का प्रॉफिट होता है, तो मधु का हिस्सा क्या होगा? मतलब टोटल इन्होंने, इसने लगाए 30,000 रुपए, इसने लगाए 45,000 रुपए और टोटल लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ? 54,000 रुपए का। तो इसमें मधु का हिस्सा कितना है हमें यह बताना है। लेकिन यहां पर हमें एक चीज और दी गई थी कि इनका टाइमिंग, कि
जयंत ने व्यापार स्टार्ट किया था, मतलब व्यापार में किसने स्टार्ट किया, जयंत ने। मधु को कुछ इंटरेस्ट लगा होगा कि मुझे भी इस व्यापार में शामिल होना चाहिए, तो वो 2 महीने बाद इसके साथ में व्यापार में शामिल होती है। तो जयंत का पैसा जो है व्यापार, मतलब कि 1 वर्ष बाद, मतलब कि पूरे 12 महीने के लिए चला, मतलब जयंत ने जो 30,000 रुपए लगाए थे वो कितने समय तक चले, 12 महीने तक। लेकिन इसके 2 महीने बाद आई थी मधु, जो कि जिसका धन कितने समय तक लगेगा, 2 महीने बाद, मतलब 2 महीने कम लगेगा। तो इसका धन अगर 12 महीने लगा है तो इसका कितना समय लगेगा, 10 महीने। तो अब यहां से हम रेशियो क्रिएट करेंगे कि 3-0 से 3-0 और इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल, तो मतलब कि 4-0 से ये 4-0 कैंसिल। अब आपके पास में जो वैल्यू बनती है उनसे आप इसको रेशियो क्रिएट कर लो, तो 3 से ये कटेगा, 3 × 3 = 3, 5 = 15 और फिर 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, तो मतलब इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या बना, 4:5। तो जयंत और मधु के प्रॉफिट का रेशियो है 4:5। अब 4:5 तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास में यहां पर 54,000 रुपए, मतलब कि 54,000। तो यहां पर जयंत और मधु के रेशियो के अकॉर्डिंग हमें इन इस पैसे को इन दोनों के प्रॉफिट में बांटना है और अलग अलग करना है। तो प्रॉफिट क्या करेंगे, इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल है, तो 4 और 5 को प्लस कर देंगे, तो 4 और 5 9, 9 से डिवाइड होगा कितनी बार, 6 टाइम, 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 6×4 = 24,000 रुपए, 6×5 = 30,000 रुपए। अगर आपसे पूछा जाए कि जयंत का भाग कितना है तो 24,000 रुपए बताएंगे, अगर आपसे पूछा गया कि मधु का भाग कितना है तो आप 30,000 रुपए बताएंगे, और हमसे क्वेश्चन में मधु का ही भाग पूछा गया है कि मधु ने कितने रुपए, मधु को कितने रुपए मिलेंगे, तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि मधु को 30,000 रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम इनका इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। बात क्या कर रहे थे अपन यहाँ पर, टाइमिंग की। तो यहाँ पर इसका पैसा कितने समय के लिए लगा, 10 महीने के लिए, इसका समय पैसा लगा 12 महीने के लिए। भले ये 2 महीने बाद आई थी लेकिन इसे प्रॉफिट में ज्यादा मिला क्योंकि इसका पैसा भी ज्यादा था, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं और ये इन्हीं बेसिक पैटर्न को यूज करके आपसे और आगे क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको इन बेसिक को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है, क्योंकि अगर आप जब तक इसके बेसिक को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इस पे क्वेश्चंस क्या करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको इन पे फोकस करना है और इन्हें अच्छे तरह से सिंप्लीफाई करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि ए और बी 12,000 रुपए और 16,000 रुपए का पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 रुपए की पूंजी के साथ सी इस व्यापार में शामिल हो जाता है। कितने महीने बाद, 8 महीने के बाद सी, 8 महीने के बाद सी 15,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है और व्यापार चलता है 2 साल के लिए, व्यापार चलता है 2 साल के लिए और प्रॉफिट होता है 4,560, मतलब कि 45,600 रुपए का लाभ होता है। और आपको इसमें बताना है ये प्रॉफिट है आपका और आपको बताना है कि सी का भाग कितना है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो व्यापार किसने आरंभ किया, पैटर्न को समझो कि उसने हमें क्या क्या डाटा दिया है, अननेसेसरी, मतलब इसमें जो फालतू चीजें हैं, क्वेश्चन भले आपको यहां पर पढ़ने में टाइम लगता हो लेकिन यहां पर जो आपको जो मेन जो क्वेश्चंस में से जो आपको जो डाटा दिया गया उसमें से आपको कुछ चीजें जिनसे आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे आप उनको पहचानना पड़ेगा। तो यहां पर ए का कैपिटल था 12,000, बी का कैपिटल था 16,000 और सी का कैपिटल था 15,000। तो यहां पर कैपिटल की बात होगी, तो कैपिटल तो ये हो गया। इसी के साथ में अब ये भी चीज होगी कि इन्होंने व्यापार आरंभ किया था और व्यापार कितने समय तक चला, आप इस प्रकार से देखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। आपको ये कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कहां पर क्या चीज रखनी है, आपको जैसा जैसा क्वेश्चंस के अंदर बोला गया आपको एज इट इज वैसी ही चीजें इसके अंदर रखनी है। 12,000 रुपए लगाए थे, 16,000 रुपए लगाए थे, 15,000 रुपए लगाए थे, ये थी कैपिटल। समय की टाइम की बात करते हैं तो ये व्यापार चला था 24 मंथ, मतलब कि 2 साल के लिए, तो इसका पैसा लगा 24 महीने के लिए, इसका भी पैसा लगा 24 महीने के लिए, ठीक है। मतलब बी का पैसा भी कितने समय के लिए लगा, 24 महीने के लिए। लेकिन सी जो है व्यापार आरंभ होने के 8 महीने के बाद आया था। कितने महीने बाद आया था, 8 महीने के बाद आया था, तो मतलब कि इनसे जो है वो 8 महीने कम पैसा लगेगा उसका। तो 8 महीने कम, मतलब 24 में से 8 को माइनस कर दो, 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, मतलब 16 महीने के लिए सी का पैसा लगा। कितने महीने के लिए लगा,
तो 16 महीने के लिए लगा। तो अब यहां से आप रेशो क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो ये यहां पर 12,000 है, 16,000 है, ये 15,000 है, तो हजार वाली कॉन्सेप्ट कंडीशन जो है आप इन तीनों में से हटा सकते हैं कि ये तीनों जीरो यहां से हट जाएगी। अब यहां से आप रेशो क्रिएट करें तो 8 दुना 8 या 24, 8 या 24 और 8 दुना 16, और भी कोई नंबर 3 से 5 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, तो ये कैंसिल हो गए और आपके पास में इधर बचता है 12, इधर बचता है आपके पास में 16 और इधर बचता है आपके पास में 10। अभी भी ये डिवाइड होंगे किससे, 2 से, तो 2 6 12, 2 8 16, 2 5 10, तो इनका जो प्रॉफिट होगा, मतलब कि ए बी और सी इनका जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा 6 8 और 5 के रेशो में। किस रेशो में? 6 8 और 5, मतलब 6 8 और 5 के अनुपात में इनका प्रॉफिट बटेगा। अब टोटल प्रॉफिट कितना है यहां पर, 45,600 रुपए। तो 45,600 रुपए के प्रॉफिट में आपको इन तीनों को सम करना है, 6 14 और 5 19, और 19 से डिवाइड करेंगे 45,600 को और मल्टीप्लाई करेंगे। आपसे किससे किसका भाग पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि सी का भाग कितना, सी का भाग कितना है 5, रेशो में 5 है ना, तो आपने यहां पे 5 को पुट किया। इसको सिंप्लीफाई करें आपका आंसर आ जाएगा, तो 19 से 19 दुना 38 कितना बचेगा यहां पर, 19 दुना 38 बचा 7, 19 चौक 76, 00, 2400 का मल्टीप्लाई आप 5 में कर दो, तो 24 पंजे 120, मतलब कि 12,000 रुपए, मतलब कि सी का भाग कितना हो गया यहां पर, तो सी का भाग होगा 12,000 रुपए, मतलब कि सी को प्रॉफिट के अंदर से 12,000 रुपए दे दिए जाएंगे। क्या किया जाएगा, सी को प्रॉफिट में से 12,000 रुपए दे दिए जाएंगे और यही उसका आंसर भी होगा, तो जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा है दूसरे नंबर पे। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो ये चीज मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी और हमें इन सब चीजों को ध्यान में भी रखना है और साथ साथ में इनकी प्रैक्टिस भी जरूर करनी है, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें फिर हमने सीखी और फिर कुछ टाइम समय बाद जब हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब चीजें दिमाग से निकलेगी कि अब इनमें करना क्या था, कुछ सीखा तो था, बाकी ऐसा हो क्यों नहीं रहा। तो जो छोटी छोटी चीजें जो हम मिस करते हैं उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत होता है। इस वजह से गलत नहीं होता कि हमें क्वेश्चन पूरा ही नहीं आता था, क्योंकि अगर पूरा नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं करोगे। सिंपल सी चीज है, अगर क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होती है तो आप क्वेश्चन को ट्राई करते हो, इस वजह से आपका वहां पे एग्जाम में टाइम खराब हो सकता है। इसीलिए बेटर है कि आप सारी चीजें जान के जाएं, सीख के जाएं और उसके बाद में क्वेश्चंस को वहां पे करें, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निर्मल और कपिल 9,000 रुपए। मैं यहां पे हजार वाली कंडीशन, 9,000 और 12,000, तो मैं यहां से 9,000 लिया मैंने, तो इधर से कितना लिया 12,000 रुपए, तो ये 9,000 है, ये 12,000 है। 1000 वाली कंडीशन क्या होगी, आपको पता ही है कि हम इसको हटा सकते हैं, तो इसलिए हमें रखने की जरूरत नहीं है, तो हमने यहां पे 9 और 12 रखा। अब उसने बोला है कि व्यापार साथ एक व्यापार करते हैं, 6 महीने के बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है और वर्ष के अंत में 4,600 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना है आपको यहां पर, प्रॉफिट है आपको 4,600 रुपए का। निर्मल ने लगाए 9,000 रुपए, कपिल ने लगाए 12,000 रुपए और व्यापार जो है एक वर्ष तक चला। व्यापार कितने समय तक चला, व्यापार जो है एक वर्ष तक चल रहा है। तो मतलब यहां पर निर्मल ने क्या किया, निर्मल ने पैसा लगाया था, पैसा लगाने के साथ साथ उसने क्या किया, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की अपने अमाउंट में, ना तो उसने बाद में ना तो कोई पैसा लगाया ना ही निकाला। तो इसका पैसा जो है एज डायरेक्ट कितने महीने तक लगा रहा, 12 महीने के लिए लगा रहा। लेकिन कपिल ने क्या किया, कपिल ने 6 महीने बाद, मतलब कपिल के ये जो 12,000 रुपए ये कितने समय तक लगे रहे, 6 महीने तक लगे रहे, क्योंकि 6 महीने बाद कपिल क्या कर रहा है, 6 महीने बाद कपिल अपना आधा पैसा निकाल रहा है। तो मतलब कि अगर उसके पास में यहां पर 12,000 रुपए लगे थे तो कितना पैसा निकाल लिया उसने, तो उसने कितने पैसे निकाले, तो उसने 6,000 रुपए निकाल लिए। तो 12,000 का आधा कितना होगा, 6, तो यहां पर उसने जब 6,000 रुपए निकाल दिए और ये कितने समय तक लगे रहे, ये 6 महीने तक लगे रहे। तो यही चीज ध्यान में रखनी है कि कॉन्सेप्ट क्या है, निर्मल का पैसा 12 महीने के लिए लगा रहा,
कपिल का पैसा 6 महीने के लिए ये 12,000 रुपए लगे रहे, लेकिन जब उसने 6 महीने बाद आधा पैसा निकाला था, मतलब उसकी कैपिटल क्या हो गई थी, जहां उसकी 12,000 थी वो वहां पर क्या क्या बन गई, 6,000 हो गई। फिर लेकिन समय कितना, बाकी के 6 महीने के लिए, तो बाकी के 6 महीने के लिए उसका ये अमाउंट लगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 × 108 रेशो 12×72 प्लस 6×6 36, तो 36 और 72 ये बन जाएगा आपका 108, ये बन जाएगा आपका 108, रेशो हो जाएगा 1:1, मतलब कि 1:1 के अनुपात में, किसके अनुपात में, 1:1 के अनुपात में, मतलब कि अब ये जो 4,600 रुपये का जो धन है, ये जो प्रॉफिट है, ये इनके बीच में इक्वल मतलब कि बराबर रूप से बांट दिया जाएगा। और 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2300, मतलब कि 2300। तो 2300 रुपये का मल्टीप्लाई एक में कर दो, इधर एक में कर दो, तो आपके पास में ये दोनों इक्वल अमाउंट है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, 2300 रुपये, 2300 रुपये, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 पर दे रखा है। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर्स कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से मिलता है तो आपको इसी प्रकार से करना है, क्योंकि जब यहाँ पे पैसे की बात हो रही थी कि जब इसने पैसा निकाला है, कई बार ऐसा भी होगा कि पैसा कोई व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगाएगा, क्योंकि व्यापार में क्या होता है, आज मैंने पैसा लगाया, मेरी कंडीशन अच्छी थी, मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट करना, मैंने सोचा कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करके मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता, मैंने पैसा लगा दिया, कल को मेरी किसी परिस्थिति से मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो मैं सबसे पहले पैसा कहाँ से निकालूंगा, तो पहले मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं अपने बिजनेस में से, अगर मुझे अभी जरूरत है तो मैं अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो मेरा पार्टनर है वो भी इस चीज़ को एग्री करेगा, तो वो क्या करेगा कि वो जो पार्टनरशिप में जो हमारा जो बिजनेस जो चल रहा था, अगर आपने पैसा निकाला है तो आपकी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग आपका शेयर जो है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसी वजह से इसका पैसा जो है यहाँ पर कम हुआ, अगर ये यहाँ पर कम नहीं होता तो 12 × 144, मतलब कि यहां पे ये इसको सिंपलीफाई करते तो 144 आता, जो कि इससे ज्यादा होता। लेकिन इसने 6 महीने बाद अपना आधा पैसा निकाल लिया था, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ऐसी कंडीशन होती है कि जब मुझे जरूरत होगी तो मैं पैसा निकाल सकता हूं, और कई बार ऐसा भी होगा कि मुझे जरूरत होगी तो मैं पैसा और एक्स्ट्रा लगा भी दूंगा। तो ऐसी कंडीशंस को समझना है कि जब पैसा लगाया जाएगा तब क्या करना है और जब निकाला जाएगा तब क्या करना है। सपोज कि यहां पे वो अपने आधी पूंजी के बराबर का धन वापस लगा देता, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो ऐसा करता कि ये पैसा जो उसने निकाला था ये निकालता नहीं, क्या करता, लगाता, तो ये यहाँ पर जो उसके 12,000 रुपये लगे थे ये यहाँ पर कितने हो जाते, अगर 12,000 रुपये ही लगाता तो इसके 24,000 रुपये हो जाते, मतलब पैसा बढ़ जाता टाइम उतने समय के लिए जितने समय के लिए उसका 24,000 रुपये लगा। आपको ये ध्यान देना है कि जो बाकी जो अमाउंट मिला रहा है वो कितने समय तक लग रहा है, तो इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा, और उसमें और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, शेरू 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है, शेरू 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है, 4 महीने बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, ऋषि उतना ही धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, मतलब यह भी 50,000 रुपये लगा देता है। लेकिन बात करते हैं टाइम की, शेरू ने व्यापार आरंभ किया और व्यापार आरंभ किया 4 महीने बाद ऋषि आया, उसने भी उतना ही धन लगाया जितना शेरू ने लगाया था। वर्ष के अंत में शेरू और ऋषि के बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो वर्ष के अंत में लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहां पर समझने वाली चीज यह है कि इसका जो 50,000 रुपये का जो धन था वो कितने समय तक लगा, तो ये लगा 12 महीने के लिए, ये 4 महीने बाद आया था मतलब कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए। तो 50 से 50 कैंसिल, 4 × 8 4 × 3 = 12, मतलब रेशो क्या बनेगा, 3:2। तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में बांटा जाएगा, 3:3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है। और ये सिंपल सा क्वेश्चन था तो इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ना तो प्रॉफिट बांटना था, हमें सिर्फ बताना था कि प्रॉफिट जो भी होगा, एक्स वाई जेड जो भी बनता है प्रॉफिट, वो इसी रेशो में बटेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, ए बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और इनकी पूंजी का अनुपात 3:5 है, ए और बी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी व्यापार आरंभ करते हैं और इनकी कैपिटल का रेशियो क्या है, 3:5, यदि वर्ष के अंत में कुल 2400 रुपये का लाभ होता है,
वर्ष के अंत में कुल 2400 रुपए का लाभ होता है तो बी को ए से कितने रुपए अधिक मिले। तो यहां पर बात करेंगे हम डिफरेंस की कि किसको कितना ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन सुनना। ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं 3:5 के रेशो में, पैसा लगाते हैं और 2400 रुपए का इन्हें प्रॉफिट होता है। बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? तो सबसे पहले तो आप इनको, इन दोनों का एडिशन करो, क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड अमाउंट है, क्योंकि दोनों का एडिशन है। तो एडिशन है मतलब कि 2400 जो है किसके बराबर हो गए, 3 और 5 के जोड़ के बराबर। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8। और हमें चाहिए इनका डिफरेंस, तो 5 में से 3 को घटा दें। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 3 24, 3 2 6, मतलब कि 600 रुपए। कितने रुपए, 600 रुपए ये भाग होगा इन दोनों के डिफरेंस में, मतलब कि बी को ए से 600 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि 600 रुपए। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो किस प्रकार से करेंगे। ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपए का अंशदान देते हैं। कौन कौन है, ए बी और सी है, जो तीनों मिलकर क्या करते हैं, 47,000 रुपए का अंशदान देते हैं, मतलब कि 47,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहां पे आपको डायरेक्ट कैपिटल नहीं दिया है कि किसने कितने रुपए लगाए, आपको कैपिटल यहां पर क्या करनी है, अलग करनी है। तो ए बी सी ने टोटल कितना कैपिटल लगाया है, 47,000, जिसमें से ए बी से मतलब कि ए बी से 7,000 रुपए ज्यादा लगाता है, ए बी से 7,000 रुपए ज्यादा लगाता है। बी सी से 5,000 रुपए अधिक लगाता है। कितने रुपए अधिक लगाता है, 5,000 रुपए अधिक लगाता है। और टोटल प्रॉफिट जो होता है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 9,400 रुपए, मतलब 9,400 का टोटल प्रॉफिट है। तो कुल प्रॉफिट में से बी का भाग कितना है, आपको बी का भाग बताना है। तो देखो यहां पर समझने वाली चीज ये है कि आपने, आपको यहाँ पे टोटल कैपिटल दे रखी है कि आपका जो बिजनेस जो चल रहा है वो कितने रुपए से चल रहा है, वो 47,000 रुपए से चल रहा है। हमें यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की कैपिटल नहीं दी है, लेकिन डिफरेंस जरूर दिया है कि किसने कितने रुपए लगाए हैं। तो यहां से हमें समझना होगा कि इनसे कैसे इनकी कैपिटल निकाल सकते हैं। पहले हमें इनकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम इनका प्रॉफिट बांट पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास में इनकी कैपिटल नहीं होगी तब तक हम इनका प्रॉफिट डिवाइड इनके बीच में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इनकी कैपिटल को बनाना पड़ेगा, कि इनकी कैपिटल क्या बनेगी। तो यहां से समझते हैं, अगर मुझे सी का भाग निकालना है तो अगर मैं सी को इधर से लेके जाऊं, तो सी को अगर मैं इधर से उधर लेके जाऊं, तो सी को अगर हम भाग निकालते हैं तो सी का भाग आ जाता है, मान लो कि 30 रुपए है। सी कितना है, 30 रुपए है, मतलब सी ने इतना ही पैसा रखा है। कितना है उसके पास में, 30 अमाउंट है। और इससे 5,000 प्लस, मतलब कि सी से 5,000 प्लस किसका अमाउंट है, सी प्लस 5,000, ये प्लस है किसका, बी का अमाउंट हो गया, ये बी का अमाउंट हो गया, ये सी का अमाउंट हो गया। ए का अमाउंट जो होगा, ए का अमाउंट क्या होगा, ए का अमाउंट बी के अमाउंट से 7,000 रुपए ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 7,000 रुपए ज्यादा होगा। तो सी प्लस 5,000 में जिस 7,000 को प्लस कर देंगे, तो सी प्लस 7,000 और 5,000 बन जाता है आपका 12,000, कितना, 12,000 रुपए। अब यहां से आप टोटल अमाउंट कितना दिया था आपको, इन तीनों का सम था आपके पास में 47,000 रुपए। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपकी ये इक्वल हो जाएगा 47,000 के। तो 1, 2 और 3, मतलब कि 3C + 12 और 5 कितना हो गया, 17,000 = 47,000। अब 17,000 को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो 47,000 - 17,000 17,000 रुपए, ये इक्वल है 3C के। तो 47 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 30,000, ये इक्वल है 3C के। तो 3 मतलब कि सी का अमाउंट कितना हो गया, 10,000। सी का अमाउंट कितना हो गया, सी का अमाउंट हो रहा है यहां पर 10,000। अगर सी का अमाउंट अगर 10,000 है, सी का अमाउंट अगर 10,000 है, तो सी को अमाउंट को हमने 10,000 लिया, इससे 5,000 रुपए ज्यादा, इससे 5,000 रुपए ज्यादा किसका अमाउंट था, इससे 5,000 रुपए ज्यादा बी का अमाउंट था, मतलब 15,000 था। इससे 7,000 रुपए ज्यादा, मतलब कि टोटल, मतलब सी के अमाउंट से 12,000 रुपए ज्यादा किसका अमाउंट था, ए का अमाउंट था। तो टोटल हो गया उसका 22,000 रुपए। अब यहां से रेशो क्रिएट करते हैं तो ये रेशो बनता है आपके पास में 22, 15 और 10।
क्या रेशो बना, 22, 15 और 10। तो टोटल अमाउंट बनेगा आपके पास में 22, 15 और 10। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 और 15 37 और 10 47, मतलब कि 47 आपके पास में था टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट जो है आपको दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 9,400 रुपए। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 9,400 रुपए। तो अब 47 मतलब 9,400 को आप डिवाइड करेंगे 47 से, तो 47 से कितनी बार कटेगा, 2 टाइम, मतलब 200। अब 200 का मल्टीप्लाई, जिसका भी भाग हमसे पूछा गया उसका मान हम निकाल देंगे। तो हमसे पूछा गया था बी का भाग, तो बी रेशो में कितना है, B का रेशो क्या बन रहा है 15, तो 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 15 का मल्टीप्लाई 2 में करने पर आपके पास में B का भाग आ जाएगा 3000। तो आपके पास में 200 में मल्टीप्लाई किया 15 का, तो आपके पास में वैल्यू आ रही 3000, मतलब कि B का भाग हो जाएगा 3000 रुपए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 पर दिया है, जो तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यह चीज समझ में आ रही होगी आपको। और जिस किसी को जो भी चीज़ें प्रॉब्लम करती है या कोई सी चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, तो आप एक बार वीडियो को वापस से प्लेबैक कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल पूछ सकते हैं कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम बता वो उस चीज़ को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं उन लोगों से ये कर कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अरुण ने एक लाख बीस हजार रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। प्रभात ने 4 महीने बाद 1,60,000 रुपए लगाकर उसमें साझेदारी कर ली। वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण का लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। सिंपल है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है कि इनमें से जो आपको लास्ट में जो जीरो जितनी अगर जितनी कॉमन जीरो है आप उनको हटा दीजिए, क्योंकि 4-0 दोनों में कॉमन है। तो अरुण ने, अरुण और प्रभात कौन कौन है, यहां पर अरुण है और प्रभात है, इसने लगाए थे 1,20,000, इसने लगाए थे 1,60,000। तो 60,000 वाली कंडीशन, मतलब कि इधर से जो 4 जीरो है वो कैंसिल हो जाएंगी, इधर से जो 4 जीरो हैं वो भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर रखो चाहे मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये चीज़ ध्यान रखने का कि यहाँ पर जो जीरो जो आप हटा रहे हैं वो कॉमन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 जीरो थी, यहाँ पे 4 जीरो थी, आपने सारी जीरो हटा दी, ये गलतियाँ मत करना। सिर्फ क्या करना है, जितनी अगर इधर से जितनी जीरो हटाएंगे उतनी ही जीरो हमें यहाँ से हटानी होगी। तो ये यहाँ पर बन जाता है 12-16। व्यापार चलता है कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए। प्रभात आता है 4 महीने के बाद, कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद, मतलब अगर ये 12 महीने के लिए रहा तो ये कितने महीने के लिए रहा होगा, 8 महीने के लिए। 12 का 12 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 144। 16 का 8 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 128। यहां से रेशियो बना लें तो 12 एकम 12, हाँ सॉरी 12 से नहीं कटेगा ये, 4 से 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36, मतलब कि क्या रेशो बना, 9:8, मतलब कि 9:8 के अनुपात में इनका प्रॉफिट जो है बांट दिया जाएगा। किस अनुपात में, 9:8 के अनुपात में इनका प्रॉफिट बांटा जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अगर यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हो, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना, तो इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, हमें वैसे ही उन्हीं टाइप्स को यूज करना है और इन क्वेश्चंस को कर लेना है। मैं आपको हर वीडियो में कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस इसलिए बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के बाद अगर दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में, मतलब एक वीडियो में, मतलब पहले क्वेश्चन में आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो सेकंड वाले क्वेश्चन में उसी सेम पैटर्न में आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उससे सिमिलर हमने कुछ चीज़ें पहले देख चुके हैं। तो वही चीज़ जो चीज़ हम वहाँ नहीं पकड़ पाए वो अगले क्वेश्चन में हम पकड़ सकते हैं। और ये अल्टरनेट क्वेश्चन लेने का रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब मिलते हैं पार्टनरशिप के पार्ट सेकंड पर और अगले वीडियो में। नमस्कार।